कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कुछ रिक्तियां हैं, लगभग 70 पदों के लिए विज्ञापन आया है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको अगर पूरा विवरण समझना हो तो आप वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 में दिए गए प्रावधानों अर्हताओं एवं शासन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के आधार पर जिला स्तरीय भेषजज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला मतलब RHO मेल RHO फीमेल ड्रेसर ग्रेड 1 ड्रेसर ग्रेड 2 लेब असिस्टेंट आदि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करनी है। इसके लिए राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थी 30/5/2023 से 13/6/2023 के बीच एक लिंक बताया गया है, उस लिंक पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू जा कर के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। जो रिक्त पद हैं उनका विवरण आपको समझना है तो आप वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले भेषजज्ञ और फार्मासिस्ट, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, दो ग्रेड 2 के हैं दोनों, लेवल 6 का मैट्रिक्स मिलता है L6 का। 11 पद हैं कुल, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग क्या रिजर्वेशन है आप टेबल पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, 4-2-2-1 इस तरह से बटा हुआ है और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2-1 इस तरह से बटा हुआ है। ड्रेसर ग्रेड 1 का 19 पद है और ये भी अलग अलग बटा हुआ है, 8-3-1-1 और फिर 1 और फिर 1-1 और फिर 3, मतलब अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरह से अलग अलग खंडों में बटा हुआ है ड्रेसर का ग्रेड 1 का। फिर RHO मेल की बात करूं तो 32 पोस्ट है RHO मेल की, इसमें भी उसी तरह से अनारक्षित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ये सारी चीज़ें हैं। इसमें L5 का मैट्रिक्स मिलेगा, सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है इसमें। RHO मेल तो मैंने आपको बता दिया 32 पोस्ट, RHO फीमेल का पोस्ट है 6 नंबर ऑफ पोस्ट जो RHO फीमेल के लिए है वो है 6। फिर इसके बाद एक पद है लेब असिस्टेंट का और एक पद है ड्रेसर ग्रेड 2 का, ये हो गए कुल पोस्ट 70 जिनका मैंने आपको जिक्र किया था। 70 पदों का विवरण मैंने आपको बताया कि किस तरह कितने कितने पद किस किस श्रेणी में आपके लिए उपलब्ध हैं। योग्यताओं की बात करें तो भेषजज्ञ के लिए आपको फार्मेसी से रजिस्टर होना चाहिए, उसमें से डिप्लोमा या फिर डिग्री दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा। फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन जीवित पंजीयन होना चाहिए और दिव्यांगता अगर है तो फिर उसके हिसाब से आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके लिए OL और BL ही पात्र होंगे, HH भी पात्र होंगे, तीन कैटेगरी का जो दिव्यांगता है वही पात्र होगा, ये बात इस पर लिखी हुई है। 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ड्रेसर ग्रेड 1 की बात बता रहा हूँ मैं, 10+2 में 12th पास होना चाहिए, पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, ड्रेसर के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और दिव्यांग कैटेगरी में OL और HH ये दो कैटेगरी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, बाकी डिसेबिलिटी को इसमें अवॉइड किया गया है, मतलब वो पात्र नहीं होंगे। RHO मेल और फीमेल में दोनों की एक साथ बता देता हूँ, दोनों के लिए योग्यता जीव विज्ञान के साथ आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए। RHO मेल के लिए पुरुष प्रशिक्षण होता है एक साल का और RHO महिला के लिए 18 या 24 माह, दोनों तरह का ट्रेनिंग होता है, इन दोनों में से जो भी आप पास हो वो एलिजिबिलिटी होगी आपकी। अच्छा, इसके अलावा लाइव रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है, जीवित पंजीयन आवश्यक है। लेब असिस्टेंट के लिए केवल 12वीं पास लिखा गया और ड्रेसर के लिए कक्षा 10वीं पास, ये कुल मिलाकर के योग्यताओं का विवरण हो गया। और ये तो स्पष्ट है कि RHO मेल के लिए केवल मेल एलिजिबल होंगे, RHO फीमेल के लिए केवल फीमेल एलिजिबल होंगे। 18 से 40 के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के निवासियों को 5 साल की छूट मिलती है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 18 से 40 साल। और बाकी सामान्य नियम का एक लंबा चौड़ा PDF है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लें
और आप अपने काम से उसको ले आ सकते हैं। ये वो लिंक है जिसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है 13 जून के पहले पहले। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अंडरलाइन वो लिंक दिख रहा है आपको। तो मित्रों ये पूरी जानकारी थी आपको जो देनी थी मुझे बेमेतरा स्वास्थ्य विभाग में जो पोस्ट निकला है उसके बारे में। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।